अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस साहब की खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों आज की वीडियो है जी जापान के फैमिली वीज़ों के बारे में कि जिन दोस्तों के फैमिली वीज़े निकले हुए हैं और क्योंकि ये एंट्रियाँ वगैरह बंद थी तो इसलिए वो लोग आ नहीं सके फैमिली वीज़े वाले यानी के, तो अब उसके बारे में कल 19 जनवरी 2022 को एक दोस्त ने फ़ोन करके भी बताया और एक और बंदे ने भी बताया कि अभी एम्बेसी ने ये एप्लीकेशनें जमा करनी स्टार्ट कर दी है। तो जिन लोगों के फैमिली के वीज़े निकले हुए हैं, चाहे वाइफ का या हस्बैंड का या बच्चों के भी वीज़े निकले हुए हैं, COE निकली हुई है, तो वो अब एम्बेसी में रब्ता करें तो एम्बेसी वाले इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे और पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा देंगे। जब वीज़ा लग जाएगा तो फिर आप ट्रैवल भी कर सकेंगे, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। और ये इंडिया वगैरह से भी यानी कि हर तरफ से जब ये एक जगह से ओपन हो गई है तो सब जगह से ये ओपन हो गया, बल्कि एक इंडिया से भी एक दोस्त ने बताया है कि वहां पर भी अब ये फाइल ये केस लेने शुरू हो चुके हैं, और पाकिस्तान से भी एक दोस्त ने बताया है, तो आप एम्बेसी में राबता करके तो पूछ सकते हैं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो वो दोस्त ने मुझे वो मैसेज में भेजे हैं, तो अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो भाई मैं उसको व्हाट्सअप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर ले तो मैं इंशाल्लाह आपको वो सेंड कर दूंगा, वो डॉक्यूमेंट साथ लगाएं और एम्बेसी में अपना वीज़ा जमा करवाएं। तो व्हाट्सअप का नंबर आप वाइस ऑफ जापान फेसबुक पे सर्च करें, मेरा फेसबुक का पेज आ जाएगा तो वहां पर मेरा नंबर ऐड है, तो वहां से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करें तो मैं इंशाल्लाह आपको वो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसका प्रिंट आउट करके फिलअप करके तो फिर आप एम्बेसी में जाके जमा करवा दें। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद।